दोस्तों, उम्र के एक स्टेज के बाद बालों का सफ़ेद होना आम बात है, लेकिन आजकल टीनेज और युवा लोगों को भी महज 15 से 30 साल की कम उम्र में ही सफ़ेद बालों की समस्या से जूझना पड़ रहा है। कम उम्र में बालों के सफ़ेद होने की कई वजहें हो सकती हैं। पहली वजह, ज़्यादा तनाव या टेंशन में रहने से। दूसरी, बायोलॉजिकल। अगर आपके घर में पहले से किसी को इस तरह की परेशानी हो तो भी आपको ये परेशानी हो सकती है। तीसरी, ज़्यादा स्मोकिंग करने से। और चौथी, अगर आप ऑयली फूड, फास्ट फूड या बाहर का ज़्यादा खाना खाते हैं तो भी आपको सफ़ेद बालों की परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप केवल एक आसान से घरेलू उपाय से अपने सफ़ेद हो रहे बालों को हमेशा के लिए काला कर सकते हैं और साथ ही किस तरह से एक हेल्दी और तनाव मुक्त लाइफ जी सकते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है 5 से 6 आलू के छिलके। दोस्तों, आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जिसका इस्तेमाल खाना बनाने के लिए हम रोज़ाना करते हैं, लेकिन आलू के छिलकों को वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। मगर आलू के साथ साथ इसके छिलके भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसमें विटामिन सी, B6, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है। ये हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है और बालों की जड़ों को भी मजबूत बनाता है। दोस्तों, बालों से जुड़ी ज़्यादातर समस्याएं हमें इसीलिए होती हैं क्योंकि हमारे स्कैल्प में ब्लड का सर्कुलेशन सही ढंग से नहीं हो पाता। दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो है हेयर ऑयल। आप इसके लिए लैवेंडर ऑयल, रोज़बेरी ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप इन्हीं ऑयल्स का इस्तेमाल करें। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस रेमेडी को बनाना कैसे है। सबसे पहले आप 5 से 6 आलू के छिलके निकालें और उसे एक पैन में 2 गिलास पानी डालकर गैस पर उबलने के लिए रख दें। जब पानी उबलने लगे तो गैस को कम कर दें और छिलकों को तब तक उबालें जब तक पैन का पानी 1/4 ना हो जाए। जब पानी 1/4 हो जाए तो गैस को बंद कर दें और किसी सूती कपड़े या फिर छन्नी से पानी को दूसरे बर्तन में छान लें। ध्यान रहे दोस्तों कि पानी को नेचुरल तरीके से ही ठंडा करें। पानी के ठंडा होने के बाद उसमें 2 टीस्पून हेयर ऑयल मिलाएं। इस मिश्रण को आप नहाने के बाद रोज़ाना हल्के हाथों से अपने बालों की जड़ों में मसाज करें। जिस तरह से हम अपने बालों में तेल लगाते हैं, ठीक उसी तरह से इसे भी अपने बालों में लगाएं और इसे अप्लाई करने के बाद किसी भी तरह के जेल या ऑयल का इस्तेमाल न करें। दोस्तों, इस मिश्रण को अपने बालों में अप्लाई करने से पहले कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें। मसाज से पहले अपने बालों को शैम्पू से ज़रूर धोएं। गंदे बालों में इसका इस्तेमाल न करें और गीले बालों के सूखने के बाद ही इसे अप्लाई करें। बचे हुए मिश्रण को आप कांच के कंटेनर में ही रखें, प्लास्टिक की शीशी में ना रखें और इसे ठंडी जगह पर ही रखें। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर आप इसे कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं तो इसके कई फायदे हैं। इससे आपको सफ़ेद बालों से तो छुटकारा मिलेगा ही, साथ ही आपको इसके मसाज से तनाव से भी मुक्ति मिलेगी। चूँकि आलू स्किन के लिए भी बहुत लाभकारी होता है, तो इस मिश्रण के इस्तेमाल से आपको बालों से जुड़ी सभी प्रॉब्लम से भी निजात मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज या सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस के साथ, नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए हेल्दी रहें, खुश रहें।